अस्सलाम वालेकुम, मैं रिदा फातिमा रियाज नूर में हूँ और आप देख रहा हूँ रहबर मेवात HD न्यूज़। तो आज मैं इज्तमाई शादीन का प्रोग्राम में आई हुई हूँ और वाक़ा हवाला से मैं आप लोगों से चंद बात शेयर करूँगी। तो अब तक सदाए में फोरम है वो 337 बच्ची इनकी शादी करवा चुको है और जो मेरे साथ मौजूद हैं वो हैं सदाए में फोरम का सरपरस्त आला हाजी नूर मोहम्मद। तो वो इज्तमाई शादीन का हवाला से कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करेगा। रिदा बेटी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम कॉलेज के लिए आप आई। ये प्रोग्राम हमने जो है ना 9 साल से यह तरतीब दे रहा हूँ। अब तक हमने तकरीबन 337 बच्चिन की शादी कर दी तो और सदाए मेयर वेलफेयर फोरम इन बच्चिन का प्रोग्राम में जो है ना बड़ी मेहनत करके हैनी और बच्चिन के लिए बहुत ही कष्ट करके फंड इकट्ठा करके जहेज़ को सामान इंतजाम करके उनके लिए दे रो है। और हम अपनी बात याद ताज़ा कर रहा हूँ कि मेो कौम के अंदर बहन बेटी की कदर ही और वह कदर सामने रखते हुए मैं चाहूँ कि पूरी मेो कौम या तहैया कर लिए कि हमने बहन बेटी की कदर करनी है और जहाँ भी कोई ऐसी कमज़ोर घर में बच्ची है वाका शादी को इंतज़ाम करना है और बेचारी वो बैठी ना रहे। इंशाल्लाह ताला हमने अज़म कर रखो है कि ज़िंदगी भर या काम में हम जारी रखेंगा। हमारी सदाए मेयो की टीम तकरीबन 30 आदमी पे मुश्तमिल है और सारी टीम बड़ी मेहनत से काम कर रही है और तकरीबन नौजवानों की टीम है। मैं ही एक बूढ़ो आदमी हूँ हमें तो इंशाल्लाह ताला और ये हमारी टीम जो है मेवन की बच्ची इनके अलावा दूसरी बरादरी इनकी बच्ची इनकी भी शादी यहाँ में बिला तफरीक कर रही है और मसलसल 9 साल से ये शादी ने करती आ रही है और अब तक जो है ना 337 बच्ची इनकी शादी कर दी। जी नाजरीन, हाजी नूर मोहम्मद ने हमन लू इज्तमाई शादी के बारे में बहुत सी मालूम दी। तो हम मनसू यह बात को और पूछना चाहेंगे कि सदाए मेयो फोरम के तहत और कौन कौन सा प्रोग्राम तरतीब दिया जाए वहाँ। नाजरीन, सबसे बड़ा प्रोग्राम तो सदाए मेयो वेलफेयर होम इज्तमाई शादी है या कब मेयो कल्चर डे और मेयो सपूत वार्ड तलबा कन्वेंशन और मेयो बैठक सियासी बैठक। ये जो है ना साल में हमारा तकरीबन 5 प्रोग्राम हो वहाँ जो या सदाए मेयो वेलफेयर के तहत हो रहा है। जी नाजरीन, ये है हमारे साथ हाजी नूर मोहम्मद साहब जो कि सदाए मेयो फोरम की काविशन हमारे सामने रख रहा। देखते रहो रहबर मेवात HD न्यूज़।